ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਰਹਿਮਤੁਲ੍ਲਾਹਿ ਵਬਰਕਾਤੁਹੂ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਰਿਜ਼ਵਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਟੁੱਟਦਾ। ਆਮ ਨੋਰਮਲੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਟੁੱਟਦਾ, ਔਰ ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਜ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਪਰ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਵਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਰਿਜ਼ਵਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਉਣ ਕੇ ਲਈ। ਜਜ਼ਾਕੱਲ੍ਹਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਕੇ ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਕੋ, ਆਪਕੀ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਕੋ, ਪੂਰੀ ਉਮਤ ਮੁਸਲਿਮਾ ਕੋ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਨੇ ਕੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਆਪਕੀ ਇਸ ਮਿਹਨਤ ਸੇ। ਅੱਜ ਮੂਸਬ ਜੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ ਚੀਜ਼ੋਂ ਕਾ ਬਤਾ ਦੇ ਆਡੀਅੰਸ ਕੋ ਜਿਨ ਚੀਜ਼ੋਂ ਸੇ ਰੋਜ਼ਾ ਟੂਟਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ जैसे शुरुआती दौर में है रमज़ान शरीफ के, हम लोगों को पता चल जाए कि किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है और किन से नहीं टूटता। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक कामिल व मुकम्मल जामेओ माने मज़हब है। वो अपने फॉलो वर्ज को दीन के और ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर मुकम्मल तौर पर गाइड करता है, मुकम्मल तौर पर तालीमात से आरास्ता और पैरास्ता करता है। उन्हीं सिलसिले की एक कड़ी रमज़ान का रोज़ा है, और हदीस के अंदर यहाँ तक कहा गया कि इस्लाम की बुनियाद पांच चीज़ों पे है और अरकान खमसा में से तीसरे नंबर पे रमज़ान का रोज़ा है। कुरान और हदीस के अंदर इसकी बहुत सारी फजीलतें हैं, बहुत सारे अहकामात हैं। टाइम की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए कुछ हल्की फुल्की एक नज़र हम डालते हैं कि रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है और रोज़ा किन चीज़ों से नहीं टूटता है। सबसे पहले आपके सामने ये अर्ज़ करूँ कि रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ है। इसकी फ़र्जियत में किसी भी शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं। लिहाजा इन तमाम बातों के बावजूद अगर कोई रमज़ान के रोज़े के अंदर शक करता है या उसकी फ़र्जियत का इनकार करता है तो ऐसे शख्स के कुफ्र के अंदर भी कोई गुंजाइश नहीं। ऐसा शख्स बिला किसी तरद्दुद के काफिर है। अल्लाह ताला हम सब को खूब से खूब दीन को समझने वाला बनाए। मैं आपके सामने ये अर्ज़ करूँ कि रोज़ा किसे कहते हैं। रोज़ा नाम है सुबह सादिक से लेकर तुलुए आफ्ताब तक। सुबह सादिक से लेकर तुलुए आफ्ताब तक रोज़े की नीयत से के साथ, रोज़े की नीयत के साथ खाने पीने और बीवी से मिलने से रुकने का नाम रोज़ा है। सुबह सादिक से लेकर तुलुए आफ्ताब तक रोज़े की नीयत के साथ खाने पीने और बीवी के साथ हम बिस्तरी करने से रुकने का नाम रोज़ा है। इसके अंदर पांच बातें आ गईं। सबसे अहम बात यह है कि नीयत। इसमें कोई शक नहीं कि रोज़े से पहले नीयत करना शर्त है। लिहाजा वो रोज़ा या वो शख्स जो रोज़ा बग़ैर नीयत के करे उसका रोज़ा मोतबर नहीं है, उस रोज़े का एतबार नहीं है, वो रोज़ा सही नहीं होगा जिसके अंदर नियत ना हो। लिहाजा नियत करना शर्त है। रोज़े से पहले चाहिए, बल्कि रात में चाहिए कि आदमी उस वक्त ही नियत कर ले, ये बहुत बेहतर बात है। आइए देखते हैं कि किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है, किन चीज़ों से नहीं टूटता है, किन चीज़ों से रोज़ा मकरूह होता है, किन से नहीं होता है, कौन सी वो सूरतें हैं जिन सूरतों के अंदर रोज़ा छोड़ने से कज़ा वाजिब होता है, जिन सूरतों के अंदर रोज़ा को छोड़ने से कज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब होता है, और कौन सी वो सूरतें हैं जिन सूरतों के अंदर न तो रोज़ा छोड़ने से कज़ा वाजिब होता है, न कफ़ारा वाजिब होता है, और न ही उस पर कोई फ़िदिया वग़ैरह वाजिब होता है। सबसे पहले
मैं आपके सामने यार्ज करूं, कंटिन्यू दो, सबसे पहले मैं आपके सामने यार्ज करूं उसूली तौर पर, क्योंकि ये कहना कि रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है किन चीज़ों से नहीं टूटता है, ये एक जुज़ी चीज़ है, ये एक ऐसी बात है जिसको मुकम्मल तौर पे इंटरव्यू की शक्ल में या मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। ये तो ज़माना जो जो अपनी रफ्तार के साथ चलता रहेगा, जुज़ियात आते रहेंगे और कितने आएंगे उसका कुछ इल्म नहीं। बहरकैफ एक उसूल आपके सामने ज़िक्र करता हूँ रोज़ा के टूटने ना टूटने के सिलसिले में, जिसको हज़रात फ़ुकहा ने किताबों के अंदर ज़िक्र फरमाया है। वो उसूल ये है कि हर्फ और रास्ता, मिसाल के तौर पर आँख, नाक, मुंह, वो रास्ता जिसके ज़रिए से कोई चीज़ पेट के अंदर या दिमाग के अंदर पहुँचती है, मोहताद रास्तों से किसी चीज़ का पेट के अंदर या दिमाग के अंदर पहुँचना, तो अगर पहुँच जाता है तो उससे रोज़ा टूटेगा, और अगर इन रास्तों से कोई चीज़ नहीं जाती है तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। ये एक उसूली बात है, इस उसूल को सामने रखा जाए तो बहुत सारे जुज़ियात निकल सकते हैं, बहुत सारे मुतफर्रियात हो सकते हैं। कुछ चीज़ें आम तौर पे मशहूर हैं रोज़ा के टूटने ना टूटने के बारे में, उस पे एक हल्की सी निगाह डाल लेते हैं। सूरतें ऐसी हैं जिन सूरतों के अंदर रोज़ा तोड़ जाता है, लेकिन उनके अंदर क़ज़ा वाजिब है, सिर्फ़ और सिर्फ क़ज़ा वाजिब है। मैं आपके सामने उन जन सूरतों को रखता हूँ। नंबर एक, कान और नाक में दवा डालने से रोज़ा टूट जाता है। नंबर दो, कसदन मुंह भर के तय करना। नंबर तीन, कुल्ली करते हुए हलक में पानी का चला जाना। नंबर चार, औरत को छूने से इंजाल का हो जाना। नंबर पाँच, कोई ऐसी चीज़ निकल जाए जो आमतौर पे खाई नहीं जाती, जैसे लकड़ी। नंबर सात, रात समझकर सुबह सादिक के बाद खा पी ले। नंबर आठ, दिन बाकी था मगर ये समझा कि आफ्ताब गुरूब हो गया और रोज़ा इफ्तार कर लिया, तो इससे भी रोज़ा टूट जाता है। नंबर नौ, कसदन यानी जानबूझकर बीबी से मिलना या जानबूझकर खा पी लेना, तो इन तमाम सूरतों के अंदर, इन तमाम सूरतों में रोज़ा टूट जाता है और क़ज़ा वाजिब है। अलबत्ता ये जो आखिरी वाली सूरत है कि आदमी जानबूझकर बीवी से मुलाकात कर ले या जानबूझकर खा पी ले, तो इस सूरत के अंदर क़ज़ा वाजिब है और कफ़ारा वाजिब है। आखिरी सूरत को छोड़कर आखिरी सूरत के अंदर क़ज़ा भी वाजिब है और कफ़ारा भी वाजिब है। क़ज़ा तो ये कि आदमी रोज़ा रखे, और कफ़ारा ये है, उसके लिए तीन ऑप्शन हैं, ग़ुलाम को आज़ाद करना जिसका अब ज़माना बाकी नहीं रहा। अगर कोई आदमी ग़ुलाम को आज़ाद नहीं कर सकता तो 60 दिनों के मुसलसल बिला किसी नागे के रोज़ा रखे, और अगर 60 दिनों के मुसलसल रोज़े नहीं रख सकता तो 60 मिस्कीनों को 2 टाइम का खाना खिलाए। ये होता कफ़ारे का मतलब। कुछ सूरतें ऐसी हैं जिनसे रोज़ा नहीं टूटता बल्कि मकरूह हो जाता है, उन सूरतों को देख लीजिए। नंबर एक, बिला ज़रूरत किसी चीज़ को चबाना या चक्कर देखना, जैसे टूथपेस्ट या मंजन, कोयला वगैरह को आदमी बाज़ मरतबा मुँह पे रखता है, तो इन सूरतों के अंदर रोज़ा मकरूह हो जाता है। गीबत करना, चुगली करना, लड़ाई झगड़े करना। नंबर तीन, पूरा दिन हालत जनाबत के अंदर रहना, यानी एक शख्स उठा नापाक था और उसी नापाकी के अंदर पूरे के पूरे दिन को उसने गुजार दिया, तो ये मकरूह है। नंबर चार, रोज़े में किसी मरीज़ को अपना खून देना, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है।
और कुछ सूरतें ऐसी हैं जिनसे न रोज़ा टूटता है और ना ही मकरूह होता है, उनको देख लीजिए। मिसवाक करना, सर पर या मूछों पर तेल लगाना, आँखों में दवा डालना या सुरमा लगाना, खुशबू सूंघना, गर्मी और प्यास की वजह से गुसल करना, इसी तरीके से किसी किस्म का इंजेक्शन या टीका लगवाना, भूल कर खाना खा लेना या पानी पी लेना, हलक में पानी डालना या बिला कसद हलक के अंदर पानी का चला जाना। एक होता है हलक के अंदर जाना, एक होता है हलक से नीचे में जाना। तो अगर हलक से नीचे में चला गया फिर तो रोज़ा टूट जाएगा। खुद ब खुद कह का आना, सोते हुए एहतलाम का हो जाना, दांतों से खून का निकलना। ये बात वाज़े रहे कि दांतों से खून निकले लेकिन वो हलक के अंदर ना जाए। चुनाचे अगर दांतों से खून निकला और हलक के अंदर चला गया तो रोज़ा टूट जाएगा। फिर ख्वाब में किसी से सोहबत करना और एहतलाम का हो जाना, सुबह होने के बाद वो आदमी गुसल भी नहीं करता, उसी हालत में उसने रोज़ा शुरू कर दिया तो फिर भी रोज़ा हो जाएगा। ये वो सूरतें हैं जिनसे ना तो रोज़ा टूटता है और ना ही मकरूह होता है। कुछ आज़ार की बुनियाद पे शरीयत ने रोज़ा ना रखने की इजाज़त भी दी है। मिसाल के तौर पे कोई शख्स बीमार है और ऐसी बीमारी है कि उसे अपने मर्ज़ के बढ़ जाने का अंदेशा है या जान के जाने का ख़तरा है, तो इस सूरत के अंदर शरीयत ने उसे इजाज़त दी है कि वो दूसरे दिनों के अंदर रोज़ा रख ले। ऐसे ही कोई शख्स मुसाफिर है, मुसाफिर शरी है, यानी 77.25 के सफ़र पे है, तो ऐसे शख्स को इजाज़त है कि वो बाद में भी रोज़ा रख सकता है। और अगर हालत सफ़री के अंदर रोज़ा रख ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शरीयत ने इजाज़त दी है, रुख्सत दी है कि छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है। ऐसे ही किसी आदमी ने सफ़र की हालत में रोज़ा शुरू कर दिया, तो अब जब सफ़र की हालत में उसने रोज़ा शुरू किया तो उसको पूरा करना ज़रूरी है। अभी ये ऑप्शन नहीं कि सफ़र की वजह से अपने रोज़े को तोड़ दे, ये ऑप्शन रोज़ा रखने से पहले का था। अब जब उसको शुरू कर दिया है तो पूरा करना ज़रूरी है। और ऐसे ही किसी आदमी को प्यास की इस कदर शिद्दत हो या खाने की इस कदर भूख हो कि कोई मुसलमान माहिर डॉक्टर ये कहे कि अगर ये खाना नहीं खाएगा या पानी नहीं पिएगा तो इसकी जान जा सकती है, लिहाजा इस सूरत के अंदर उसको ये कहा जाएगा कि तुम खाना खा लो। बहरकैफ़ ये वो सारी चीज़ें थी जो आपके सामने हमने रखी हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब इन बातों पे अमल करने वाला बनाए और रमज़ान से खूब फ़ायदा उठाने वाला बनाए। शुक्रिया जी जज़ाकअल्लाह। रिजवानुल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आने का, और इंशाल्लाह आने वाले समय में भी आपसे फ़ायदा उठाते रहेंगे। शुक्रिया जी। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह।